नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और यूपीए की बैठक के बाद अंबा प्रसाद बाहर आई हैं, हम लोग इनसे बातचीत करते हैं। मैम, लगातार छत्तीसगढ़ ले जाने की बातें सामने आ रही है, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बातें सामने आ रही है, इसको कैसे आ रही है? निशिकांत दुबे का ट्वीट जो है वो सामने आ रहा है। आप ऐसा कीजिए, वही ट्वीट पे आप पूरा न्यूज़ बनाते रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा, किसी को कोई निर्देश नहीं है, सब हम लोग एकजुट हैं, शुरू डे वन से एकजुट हैं। बस ये कयासों का बाजार और ये माहौल के ये सरकार बहुमत में रहने के बाद भी अस्थिर, ये बड़ा ही बेवकूफ़ी का बात है। हम लोग सब एकजुट हैं, कोई अस्थिरता नहीं है, बहुत अच्छी बहुमत है हमारे पास, और ये जनता के भावनाओं के अनुरूप बना हुआ सरकार है, जनता के भावनाओं के अनुरूप काम कर रहा है। बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं और कुछ बाकी है जिसको जल्द सरकार अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी, और इसी तरह से काम होते रहेगा। अगर कुछ ऐसा बॉल फेंका जाएगा हमारे सरकार की तरफ तो हम लोग भी बैट से हम लोग तैयार हैं। मैम, अगर हम लोग मुख्यमंत्री की सदस्यता की बात करें तो जो राजभवन ECI का रिपोर्ट पहुँचा है उसको लेकर के भी कुछ चर्चा हुई, क्या कोई विकल्प की तैयारी भी कर रही है सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जब जो होगा तब सोचा जाएगा। अभी हमारे पास कोई ऑफिशियल ऐसा कोई मैसेज नहीं है, तो हम ये कयासों के बाज़ार में जो चल रहा है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, गेस किया जा रहा है, मतलब भविष्यवाणी किया जा रहा है, तो ये सब चीज़ पे हम नहीं मानते। तो ये थी हमारे साथ बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि समय आने पर अगर हमारे तरफ बॉल आती है तो उस हिसाब से हम लोग बैटिंग भी करने का काम करेंगे। तो इनका अगर आज की बैठक की बात करेंगे तो ये बैठक जो है वो ज़रूर हुई, और जो निर्णय जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर चर्चा की गई है। और अब जब तक नोटिस नहीं आता है राजभवन से तब तक किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।